अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी बनने वाली है। झटपट से, कोई भी झंझट नहीं है। और बनाते हैं, चलिए आज मसाला ऑमलेट चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने स्पाइसेस ले लिए हैं। 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, और एक मैंने हरी मिर्च ली है जो स्पाइसी होती है वो है, और एक मोटी वाली है हरी मिर्च जिसपे स्पाइसी नहीं होती है। और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हमारी लाल मिर्च पाउडर है, और 1 मैंने टमाटर ले लिया था मीडियम साइज़ का, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, और कुछ मैंने हरा धनिया ले लिया था। इन सबको मैंने फाइन बिल्कुल चॉप कर लिया है। और यहाँ पर 3 अंडे मैंने लिए हैं, आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप उतने ले लें, कम ले लें या बढ़ती ले लें, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अंडे निकाल रही हैं और इसको अब मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। पहले तो इनको पहले मैश कर लेना है, वरना बाद में अगर सब वेजिटेबल्स डालो इसमें तो फिर ये अच्छे से मैश नहीं हो पाते हैं। तो इन तीनों को मैंने साथ में ही मैश कर लिया है, और ऐसे करते रहेंगे, मैश करते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा मैश कर लिया है, अब मैं सारी जितने भी मैंने जो कुछ भी कट करके रखा था वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। तो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है, जितने भी मैंने मसाले निकाले थे वो सब इसमें डाल दिया। तो इसको अब अच्छे से मैश कर लेंगे साथ में, और ऐसे चलाते रहेंगे, मैश करते रहेंगे। उस टाइम जब मैं डाल रही थी तो मैं कैमरा ऑन करना भूल ही गई थी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, तो इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं शूट होने को। तो चलिए, खैर जितना मैंने पहले दिखाया था जो जो सामान वो सारा ही इस पे डाला है, कुछ भी कम बढ़ती मैंने नहीं किया है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ऐसी। तो यहाँ पर ये मैश हो चुका है, तो फिर आप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने खूब अच्छे से मैश कर लिया है। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, और ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन में ताकि ऑमलेट डालें तो इधर उधर से चिपक ना जाए। इस वजह से ऑयल मैंने सब में फैला लिया है। तो आप हाफ ऑफ करके इसको इसमें डालेंगे, सब एक साथ नहीं डालेंगे, सब एक साथ डालेंगे तो कच्चा पक्का रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे 2 पार्ट में। तो पहले तो मैंने इतना डाल लिया है, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो बस इसको ऐसे ही नीचे से पकने देंगे, अभी हिलाना डुलाना नहीं है इसको। बस इसके नीचे तक ऑयल चला जाए और इधर उधर भी हो जाए और अच्छे से ये पक जाए, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैंने इसको बिल्कुल बराबर से कर दिया है, और अभी टॉस नहीं करना है इसको बिल्कुल भी। यहाँ पर मैंने इसको टॉस कर लिया है। टॉस करने में अक्सर जो है ये एक साथ नहीं हो पाता है, तो इसके पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट में मैंने इसको अलग अलग करके टॉस कर लिया, सेक लिया है। और यहाँ पर इसको दबा दबा कर ही सेकना है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है बीच से कच्चा रह जाता है, किनारे ज़्यादा इसके सिक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसको दबा दबा के अंदर तक ही सेकना है ताकि अंदर से कच्चा नहीं रह पाए। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत अच्छे से हमारा सिक गया है। तो अब मैं इसको देखती हूँ नीचे से, और इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। उधर साइड से भी दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है, तो अब मैं इसको एक को निकाल रही हूँ, सारे पार्ट्स को मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर जो बचा हुआ था मैंने वो भी इसमें डाल दिया है, और इसको एक तरफ से पहले सिकने देंगे अच्छे से, फिर इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो अभी ये सिक रहा है, और फ्लेम हमारी हाई है, हाई फ्लेम पर सेकेंगे इसको। तो अब मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ, अभी इससे कुछ भी नहीं बोलना है, बस ऐसे ही एक तरफ से सिकना है। तो यहाँ मैंने इसको टॉस कर दिया है, और ये सिक रहा है इधर से उधर से, तो बहुत अच्छा कलर इसका आया है। और फिर इसको भी ऐसे ही सेकना है, तो बस इसको ऐसे ही करते रहेंगे, दबा दबा के सेकेंगे ताकि अंदर से भी सिक जाए, कुछ भी कच्चा पानी रहे, तो ऐसे ही सेकना है इसको इधर से भी। तो चलिए फिर देखते हैं कि उधर साइड से सिका या नहीं सिका। फिलहाल तो सब थोड़ा बहुत सीख गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी और कर लेंगे, कुछ कुछ वाइट भी लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सेकेंगे। तो यहाँ पर ऑमलेट हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया, तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। यह हमारा ऑमलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और आपको जिससे दिल हो आप उससे खाएं, रोटी सिखाएं, पराठे सिखाएं, या ब्रेड सिखाएं, ब्रेड में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो फिलहाल मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर कल मिलूँगी एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।